सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कबड्डी स्टार को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। गाइस, इस वीडियो में हम तमिल थानेवास टीम के फुल एनालिसिस करने वाले, तो चलिए गाइस हम लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको तमिल थानेवास टीम का फुल स्क्वाड दिखा देता हूँ, अपनी स्क्रीन में देख लो। तो सबसे पहले हम रेडर्स का बात करते हैं, तो रेडर्स में इनके पास है मंजीत के, प्रपंजन, भवानी राजपूत, अचिंक्य, अशोक पवार और अतुल एमएस। इनके पास कुल 5 रेडर्स है अपने टीम में। तो मुझे इसमें सबसे बड़े नाम लग रहे हैं मंजीत और के प्रपंजन, जो कि अच्छे फॉर्म में थे लास्ट सीजन, खास करके प्रपंजन। प्रपंजन भी अच्छा परफॉर्म किए लास्ट में बंगाल की टीम में थे, और मंजीत पुनेरी पल्टन की टीम में थे, मंजीत ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और इसमें अचिंक्य पवार जयपुर विंग पैंथर्स में थे लास्ट ईयर, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, इनको मिला ही नहीं मौका। और अतुल एमएस लास्ट ईयर यू मुंबा की टीम में थे, अतुल एमएस ने एक एवरेज परफॉर्मेंस किया था, ये तामिल के लिए सीजन 6 में भी खेल चुके हैं। तो और अतुल एमएस ने उतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन सीजन 7 में इनको यू मुंबा में मौका मिला और डेफिनेटली शायद ये लगभग सारे मैचेस ही खेले थे, 2-3 मैचेस छोड़ के। और अतुल एमएस ने एक एवरेज परफॉर्मेंस किया था, अंडर फजल तलाचरी कैप्टन थे यू मुंबा के लास्ट ईयर। तो इस अगर आप रेटिंग डिपार्टमेंट देखो तो मुझे इनका उतना खराब नहीं लगा, स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, क्योंकि देखो मंजीत और के प्रपंजन, इसमें मंजीत जो है वो ऑलराउंडर भी है और प्रपंजन जो है बेसिकली इनको रेडर्स में कंसिडर किया है, और प्रपंजन बहुत अच्छे रेडर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बंगाल के लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था इन्होंने और फाइनल में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो अगर रेडिंग डिपार्टमेंट तुम कंपेयर करो तो अच्छा है, आप देख लो अच्छी रेडिंग है इनकी, मंजीत प्रपंजन अजिंक्य पवार भी रेड कर सकते हैं, और अतुल एमएस एक अच्छे प्लेयर है, उतना अच्छा नहीं कहूंगा लेकिन एवरेज परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफेंडर्स के ऊपर, तो डिफेंडर्स में इनके पास है सुरजीत सिंह, नरवाल, एमडी तुहिन, हिमांशु, अभिषेक, सागर और साहिल। तो इनके पास कुल 6 डिफेंडर्स है अपने टीम में। इसमें सबसे बड़ा नाम है सुरजीत सिंह, जो कि कवर खेलने वाले हैं और कप्तानी भी करने वाले हैं तमिल थानेवास के। तो जहाँ तक रिपोर्ट्स आ रहा है कि और सुरजीत सिंह ही शायद कप्तानी करेंगे, कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, और सुरजीत सिंह ऐसा कवर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप डिफेंस देखोगे हिमांशु, अभिषेक और सागर, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो लास्ट ईयर रिटेन हुए थे तमिल के टीम में, इस बार रिटेन हुए हैं। और इसमें सागर को सबसे ज़्यादा मौका मिला और अभिषेक ने भी कुछ मैचेस में अच्छा किया, और हिमांशु का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, आई डोंट नो क्यों इनको रिटेन किया, पर एज एनवाईपी में किया है। तो अगर इनका डिफेंस देखोगे तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, डिफेंस को तुम एवरेज भी नहीं कह सकते, एक नाम बस पियो सुरजीत सिंह नरवाल के अलावा मुझे कोई अच्छा नाम नहीं लग रहा है, जो एक्सपीरियंस है सब यंग प्लेयर्स से भरे हुए। पर एक बात अगर तुम ये पूरा स्क्वाड देखोगे तो तमिल ने बहुत ज्यादा यंग प्लेयर्स को खरीद लिया, एक्सपीरियंस प्लेयर्स को नहीं खरीदा उतना। रेडर्स में हमें बहुत एक्सपीरियंस नाम दिखे, पर डिफेंडर्स में बस एक सुरजीत सिंह के अलावा कोई भी बड़ा नाम नहीं दिख रहा है, तो डिफेंस इनका एवरेज है। तो अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स, तो ऑलराउंडर्स में इनके पास है अनवर साहिद बाबा, सौरभ तमाजी पटेल, सागर कृष्णा और संथापन सेल्वम। तो इनके पास कुल 4 ऑलराउंडर्स है अपने टीम में। सबसे बड़ा नाम अगर देखोगे तो वो है सागर कृष्णा। सागर कृष्णा लास्ट ईयर पुनेरी पल्टन की टीम में थे और ये यूपी योद्धा के लिए भी खेल चुके हैं, यूपी योद्धा के लिए जब भी खेलते थे बहुत अच्छा खेलते थे, और पुनेरी पल्टन के लिए उतना सक्सेसफुल नहीं किया और इनको बाहर भी कर दिया गया। और संथापन सेल्वम के मैं बताना चाहूंगा, ये जयपुर पैंथर्स के लिए खेल चुके हैं और लास्ट ईयर भी जयपुर में थे और 2-3 साल से जयपुर में रिटेन हो रहे थे, और जब जसवीर सिंह कप्तानी करते थे तो संथापन सेल्वम अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, उनको जब भी मौका मिलता था अच्छा करते थे। तो यार ये फुल तमिल थानेवास का मतलब फुल स्क्वाड है, तो अब मैं रेटिंग देना चाहूंगा, तो रेटिंग पे बात करते हैं। तो मैं तमिल थानेवास की टीम को 7 का रेटिंग देना चाहूंगा आउट ऑफ 10, क्योंकि देखो 3 पॉइंट्स मैंने क्यों काटे, क्योंकि एक्सपीरियंस कुछ कुछ है लेकिन यंग प्लेयर्स ऐसे जो फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ का बात करते थे, इनका स्ट्रेंथ इनका रेडिंग डिपार्टमेंट साफ से हमें दिख रहा है, मंजीत, प्रपंजन और अतुल एमएस, ये 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो रेड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिनके पवार का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, पर ये 3 रेडर्स अच्छा कर सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। पर तमिल थानेवास का एक चीज है कि जितने साल ये खेले हैं इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स से, लास्ट ईयर आई थिंक मंजीत, अजय, राहुल चौधरी, सबीर बापू, मोहित रण सिंह जैसे प्लेयर्स थे, तब भी ये टीम कुछ नहीं कर पाई, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा यंग प्लेयर्स खरीद लिया है। पर देखते हैं क्या रिजल्ट इस बार कुछ होगा या फिर वापस खराब करेंगे, वो तो देखना होगा, हम सब चाहते हैं अच्छा करें। तो स्ट्रेंथ मैं रेडिंग डिपार्टमेंट को मानूंगा। अब बात करते हैं वीकनेस, तो वीकनेस है इनका डिफेंस और ऑलराउंडर। देखो डिफेंस में एक नाम है बस सुरजीत सिंह नरवाल, उसके बाद कोई भी प्लेयर नहीं है डिफेंस में जो अच्छा कर सकते। सागर
को मैं डेफिनेटली लूंगा, सागर अच्छे प्लेयर है। मैंने बंगाल का, अगर आपने मैच देखा होगा लास्ट ईयर तमिल का, बंगाल का तमिल अपना लास्ट मैच खेल रहा था तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और संथापन सिल्वा सागर कृष्णा को ये यूज कर सकती है अपनी प्लेइंग सेवन में। आई थिंक सागर कृष्णा को डेफिनेटली ट्राई करेगी, अगर इनके पास कोई अच्छा लेफ्ट कॉर्नर नहीं होगा तो सागर लेफ्ट कॉर्नर अच्छा खेल सकते हैं और संथापन सिल्वा को भी लेफ्ट कॉर्नर खिला सकते हैं। और ये तमिल थलाइवास का यही कुछ है, मतलब मुझे लगता है कि इनको एक दो प्लेयर्स को और टारगेट करना चाहिए था। प्रदीप को तो डेफिनेटली नहीं कर सकते थे, वो यूपी में जा चुके हैं, पर उनको ट्राई करना चाहिए था बड़े प्लेयर्स को खरीदने का, लाइक रविंद्र पहल हुए, जोगिंदर नरवाल हुए, बहुत सारे प्लेयर्स इनको ट्राई करना चाहिए था। तो यार ये तमिल थलाइवास का स्ट्रेंथ वीकनेस प्लेइंग 11 और सब कुछ है, तो यार सब कवर कर दिया इस वीडियो में। तो अच्छा लगे तो वीडियो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।